आज हम बात करेंगे कुछ जनरल टॉपिक्स की। जनरल टॉपिक्स यानी कि सामान्य रूप से जो बोले जाने वाले वाक्य, जो सामान्य नॉर्मली हम बोलते हैं डेली लाइफ में, उनको कैसे स्पीक करना है, कैसे से प्रोनाउंसिएट करना है, वो सब हम आज देखेंगे अपने कुछ जनरल टॉपिक्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ की तरह लगती है। कभी कभी बोलते हैं ना कि तुम्हारा फेस तुम्हारी मम्मी की तरह मिलता है, माँ तुम्हें मम्मी की तरह लगती है। तो यू रिजेम्बल लाइक योर मदर, तुम अपने माँ की तरह दिखते हो। यू रिजेम्बल्स लाइक योर मदर। मैं हर सोमवार मंदिर जाती हूँ। आई गोज टू टेम्पल ऑन मंडे। आई गोज टू टेम्पल ऑन मंडे। मैं हर रोज टहलने के लिए जाती हूँ। आई गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। मैं हर रोज टहलने के लिए जाती हूँ, सुबह जाती हूँ, इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। आई गोज फॉर ए वॉक, हर रोज तो लिख सकते हो एवरी डे। आई गोज फॉर ए वॉक एवरी डे। अगर ये है कि मैं हर रोज सुबह टहलने के लिए जाती हूँ, तो आई गोज फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, दोनों वेज में हो सकता है। और अगर मॉर्निंग नहीं है हर रोज, तो एवरी डे आ जाएगा, ठीक है। मैं उसके काम से खुश नहीं थी। मैं उसके काम से खुश नहीं थी। आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम हिज वर्क। I was quite disappointing from his work. तुम्हारे हाव भाव मेरी तरह नहीं है। Your nature not like mine. तुम्हारे हाव भाव मेरी तरह नहीं है। Your nature not like mine. तुम अपनी गलतियां नहीं सुधार सकते। You can't correct your mistakes. तुम अपनी गलतियां नहीं सुधार सकते। You can't correct your mistakes. तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। You are spying on me. तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। You are spying on me. मैंने अपनी किताब को 2.5 घंटे में पढ़ा। मैंने अपनी किताब को 2.5 घंटे में पढ़ा। I read my book in 2.5 hours. I read my book 2.5 hours. 2.5 घंटे, 2 और आधा घंटा, 2.5 hours. वह अपने शब्दों पर हमेशा कायम रहता है। He always honor his word. वह अपने शब्दों पर हमेशा कायम रहता है। He always honor his word. दोनों लड़कों में से कौन समझदार है? Who is intelligent of the two boys? Who is intelligent of the two boys? मैंने उससे पूछा कि वह काम कर रहा था या नहीं। मैंने उससे पूछा कि वो काम कर रहा था या नहीं। I asked him whether he is doing work or not. I asked him whether He is doing work or not? मैंने उसे पूछा कि वो काम कर रहा था या नहीं। ज्यादातर लोग इन चीजों से सहमत नहीं होते। Most of people would not agree with it. ज्यादातर लोग इन चीजों में से सहमत नहीं होते। Most of people would not agree with it. सोना एक महंगी धातु है। Gold is a precious metal. गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। मुझे 200 रुपए मिले। आई रिसीव्ड 200 रुपीज। ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई गॉट 200 रुपीज। मुझे अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच भी आती है। मुझे अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच भी आती है। आई नो इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच लैंग्वेज। आई नो इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच लैंग्वेज। मैंने पक्का इरादा किया है कि मैं पढ़ लूंगा। आई एम डिटरमाइंड टू स्टडी। पक्का इरादा करना, डिटरमाइंड। आई एम डिटरमाइंड टू स्टडी। जरा हाथ लगाना।
लेंड मी अ हैंड, तुमने तो कमाल कर दिया, यू हैव डन मार्वल्स, यू हैव डन मार्वल्स, तुम घर मुझसे देरी से आए, यू केम होम लेटर देन आई, यू केम होम लेटर देन आई, मेरे दोस्त ने मुझे अच्छी सलाह दी, माई फ्रेंड गिव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, माई फ्रेंड गिव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, यह कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, दिस कंप्यूटर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, दिस कंप्यूटर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, नॉर्मली क्या बोलते हैं, दिस कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बट दिस कंप्यूटर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। रीना के बाल लंबे हैं, रीना हैज लॉन्ग हेयर्स, रीना के बाल लंबे हैं, रीना हैज लॉन्ग हेयर्स, बहुत सारे बच्चे आज नहीं आए हैं, मैनी स्टूडेंट्स आर एबसेंट टूडे, मैनी स्टूडेंट्स आर एबसेंट टूडे, क्या मैं आपसे किताब उधार ले सकता हूं, कैन आई बोरो ए बुक फ्रॉम यू, कैन आई बोरो ए बुक फ्रॉम यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।